155 शाहबाद नवाब काइट क्लब में आप सभी का स्वागत है। हमारा क्लब संपूर्ण भारत वर्ष के सभी पतंग के शौकीन मेंबर्स को आमंत्रित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। घरेलू कला से आज सिर्फ रे युवक ने मां बाप पर बरसाई गोली। घटना से एक बार पुनः रिश्ते हुए तार तार। आरोपी युवक असलहे के साथ गिरफ्तार। नैनी प्रयागराज में आज फिर कलयुग का घोर असर दिखा और घरेलू कलह में आज एक सिरफिरे युवक ने बाप के ही लाइसेंसी रिवाल्वर से मां बाप पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और अपने आप को कमरे में बंद कर खिड़की से अन्य लोगों को भी मारने का प्रयास की। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने आनन फानन में घायल लोगों को इलाज हेतु स्वरूप रानी चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां बाप खतरे से बाहर बताया जा रहा है क्योंकि उसके हाथ में गोली लगी है, किंतु सीने में गोली लगने की वजह से मां की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद सिरफिरे युवक को घटना में प्रयोग की गई रिवाल्वर, 7 खाली खोखे तथा 8 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की सूचना पाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे सहित जिले के आला अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक कार्यवाही हेतु नैनी पुलिस को निर्देशित किया। जानकारी के मुताबिक नैनी थाना अंतर्गत मामा भांजे तालाब बाजार निवासी लालचंद जायसवाल 52 वर्षीय की बाजार में ही किराना व जूते चप्पल की दुकान है। वह अपनी पत्नी कुसुम देवी 50 वर्षीय वह अपने दो बेटों में बड़ा दिनेश जायसवाल उर्फ रिंकू तथा दूसरा रितेश जायसवाल उर्फ रंजीत के साथ परिवार सहित एक ही घर में रहते हैं। बताया जाता है कि आज दिन में लगभग 2:30 बजे के करीब छोटे बेटे रितेश ने पिता के लाइसेंसी रिवाल्वर से मां बाप पर ताबड़तोड़ गोली चला दी और अपने को कमरे में बंद कर खिड़की से भी कई राउंड गोली चलाई, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामा भांजा पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित घटना स्थल पर चौकी इंचार्ज संतोष सिंह मय फोर्स सूचना पाते ही पहुंचकर स्थित पर नियंत्रण किए, साथ ही आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर आनन फानन में थाना अध्यक्ष नैनी क्षेत्राधिकारी कर्चना व पुलिस अधीक्षक जमुना पार सहित जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और काफी मशक्कत के बाद सिरफिरे आरोपी युवक को घटना में प्रयुक्त की गई रिवाल्वर, 8 जिंदा कारतूस व 7 खाली कारतूस के साथ गिरफ्तार कर थाने ले आए। बताया जाता है कि 4 साल पूर्व आरोपी युवक रितेश की शादी नेहा नामक लड़की से हुई थी, जिसमें आपसी कलह के चलते 2 वर्ष पूर्व से उसका डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है, जिसको लेकर वह परेशान रहता है और आए दिन घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। बताया जाता है कि कल से ही परिवार में जबरदस्त कलह मची हुई थी, जिस पर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है। आरोपी युवक के बड़े भाई दिनेश जायसवाल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट दिलबर हबीब के साथ नंदू भाई आजाद की खास रिपोर्ट। जहाँ आज हम लोग खड़े हैं, ये थाना नैनी क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर और लालचंद जायसवाल जी का मकान है। वहाँ पर आज सूचना मिली कि उनके लड़के रितेश ने गोली चलाई है और काफ़ी फायरिंग की है और उसने अपने आप को बंद कर रखा है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पहुँची, सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें, स्वाट टीमें सभी यहाँ पहुँची। साथ ही साथ जो घायल थे मजरूब, उनको दो लोगों को गोली लगी, इसमें लालचंद जी और उनकी पत्नी को गोली लगी। दोनों को जो है इलाज के लिए SRN में भर्ती कराया गया है। दोनों की कंडीशन अभी फ़िलहाल खतरे से बाहर है। नेक्स्ट चैलेंज था कि जो आरोपी है जिसने गोली चलाई थी, लालचंद का लड़का, उसको पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से जिस असलहे से, लाइसेंसी असलहे से फायर किया गया था, उस असलहे को बरामद किया गया है। खाली कारतूस और जिंदा कारतूस इसको बरामद किया गया है। अब आगे की विधि कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। असलाह किसके नाम से लाइसेंस था? ये घर का लाइसेंसी असलाह था, किसके नाम से? उनके पिता के नाम पे अलॉटेड था। अभी तक हमें 7 खोखे वहाँ पे मिले हैं। अभी हमारी फॉरेंसिक टीम और भी डिटेल में तलाशी लेगी और 8 जिंदा कारतूस यहाँ से मिले थे। जो घटना के पीछे का कारण अभी डिटेल पूछताछ से पता चलेगी, आप लोगों को अवगत कराया जाएगा।